सौ सुधर की एक लॉज आज मुख्यमंत्री यहाँ मुंबई मार्ट का जो नियो अपना इलेक्शन चालू है इसका नारियल आज हमने कुर्ला विधानसभा से उन्होंने शुरुआत की उसका नारियल आज यहाँ पे उन्होंने पढ़ाया है और जोरदार बैटिंग भी की है और उन्होंने जो मुद्दे सामने रखे हैं वो आपने सबने सुने ही लाडली बहना योजना और अन्य योजना के बारे में भी उन्होंने खुलासा किया है। लाडली बहन योजना कभी बंद नहीं होगी, उल्टा बढ़ेगी, बढ़ती रहेगी और अगर आशीर्वाद रहा तो उसकी रकम भी और बढ़ते ही रहेगी, ऐसे इस प्रकार का उन्होंने आश्वासन भी दिया है, नहीं वचन दिया हुआ। और आज की जो रैली हुई वो रैली बहुत ही बड़ी, मतलब मेरे ख्याल से मुंबई में ऐसी रैली नहीं हुई रहेगी, ऐसी रैली हमारे सभी भाइयों ने और बहनों ने यहाँ पे की। लाडली बहना हमारी सब यहाँ पे उपस्थित थी, हमारे महायुद्ध के सभी कार्यकर्ता, राष्ट्रवादी, बीजेपी, आरपीआई और हमारी शिवसेना के सभी और इतर घटक पक्ष के भी सभी बड़े तादाद में लोग मौजूद थे, कार्यकर्ता मौजूद थे और बहुत ही अच्छी है सभा संपन्न। सर यहाँ पे लोगों का प्यार आपको काफी कहना चाहिए, विजय माने जाए जरूर, जो प्यार बढ़ता ही जा रहे हैं आप देखते रहेंगे दिन ब दिन, जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहा है वैसे ही सभी मतदार भी और सभी नागरिक बहुत ही अच्छी तरह से उनका अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और जो भी काम हुए हैं उससे उनको प्रसन्नता है और वही प्रसन्नता वो दिखा रहे हैं। आज की सभा में आपने देखा रहेगा एक उत्साहपूर्ण और जल्लोषपूर्ण ऐसा वातावरण था जो कभी किसी सभा में नहीं रहता, लेकिन इस सभा में बहुत ही मात्रा से लोग भी मौजूद थे और बहुत ही जोश था उसमें। आज उनके लाडले भाई आए थे अपने बहनों के लिए, बहनों को मिलने के लिए, आज उनको भावबीज भी कराई हमारे सभी बहनों ने और बहुत ही एक अच्छा वातावरण में आज की सभा संपन्न। जरूर उन सबका आशीर्वाद है और अलग अलग योजनाएं हैं और साथ में हमारे विकास और हमने जो प्रश्न छोड़ा है उसका ही असर। आपने इस बप्पा नगर को गोद भी लिया है और आपका ये 2024 का चुनावी प्रचार यहाँ से शुरुआत हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जरूर ठक्करप्पा तो मेरे घर जैसा है और जरूर गोद तो लिया है क्योंकि मैं भी वही समाज का हूँ और जरूर इस एक नाता है हमारा इस सभी रहीवासियों के ठक्करप्पा के और उन्होंने मुझे हमेशा हर एक इलेक्शन में सभी वार्ड से भी उन्होंने ज्यादा मुझे आघाड़ी यहाँ पे ठक्करप्पा से ही मिली है तो ठक्करप्पा से ही हमारी सबसे अच्छी रैली आज यहाँ पे निकली है। समझा जाए इसको, जीत तो 20 तारीख को आप देखेंगे लेकिन हम लोग तो मेहनत करेंगे और अच्छी तरह से हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की तरफ पहुँचना, लोगों तक हमारे काम पहुँचना ये हमारा प्रथम काम है। मतदाताओं को क्या संदेश? मतदान तो हमारे सभी खूब जागरूक मतदान है और जागरूक उन्होंने मतदान करना चाहिए, मतदान करना चाहिए क्योंकि वो कोई भी कुछ कहेगा कोई भी कुछ करेगा लेकिन मतदान उन्हें जागरूक करेगा, अपना काम करना चाहिए, जो योग्य उम्मीदवार है उसको ही चुन के लाना चाहिए। भाऊबीज के सुवर्ण अवसर पर हमारे लाडले मुख्यमंत्री आज ठक्करप्पा में आए और सारे लाड़की बहनाओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और वो महिलाओं का जोश देख के ये पक्का है कि अब तीसरी बार मंगेश कुराड़कर कुर्ला विधानसभा के आमदार बनने जा रहे हैं। जनसंख्या पद्धति का कारभार गेले 2 वर्ष मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांनी या महाराष्ट्रात केला आणि ज्या पद्धतीच्या लोकसेवा लोका उपयोगी योजना महाराष्ट्रात राबवल्या त्यामुळेच हा प्रतिसाद जनतेचा आहे, महिलांचा आहे, भावांचा आहे, सगळ्या जनतेचा प्रतिसाद आहे। विजय निश्चित आहे का? विजय 101 निश्चित आहे। मंगेश कुराड़कर तिसऱ्या वेळी पुन्हा एकदा कुर्ला विधानसभेचे आमदार म्हणत आहे। आज खऱ्या अर्थाने निवडणुका 22 नोव्हेंबरला आहे परंतु माननीय एकनाथजी रावजी शिंदे साहेब महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री या इकडे येऊन प्रचाराचा नारळ फोडून गेले आणि प्रचाराचा नारळ फोडण्याची गरजच नाहीये कारण विजयाचा रथच आज विजयाची रॅली झालेली आहे, विजयी सभा झालेली आहे। अशा प्रकारे ह्या प्रचंड गर्दी त्या विधानसभा ठक्करप्पाच्या विधानसभेमध्ये वार्ड क्रमांक 151 मध्ये मिळाली आहे। मी सर्व जनतेचा
सर्व पदाधिकाऱ्यांचे या ठिकाणी आभार मानतो की यांनी काल सांगितलेला मेसेज आज लाखोच्या संख्येने हजारोच्या संख्येने इकडे माणसं उपस्थित आहे. मी पुन्हा मुख्यमंत्र्यांचा देखील आभार मानतो आणि हा विजय निश्चित आहे. 23 तारखेला गुलाल उधळणार. मंत्रीजी यहाँ पर आए, पहली बार सीएम मुख्यमंत्री इस तरीके से लोगों के बीच में आए, क्या लगता है? बहुत अच्छा लगा कि इनको ही जीतना है और इनको ही जिताना है. कौन है इधर के उम्मीदवार? कौन? मंगेश कुनाटर. हाँ, क्या कहना चाहिए? सर, आज की सभा होगी कि सर उन्होंने जो काम किया है वो किसने नहीं किया, बोलने के मतलब बोल भी नहीं सकते हैं, वो दिखता है. तो उनको ही जीतना है और वही आएंगे. तो लोग देंगे उनको समर्थन? क्यों नहीं, वो तो अभी आपने देंगे, अभी सभा में ही देख लिया होगा. निशान धनुष बाण, धनुष बाण, जय श्री राम. दिवाली दोबारा बनानी, सर को लाके दिवाली बनानी हमारी. अच्छा, और हमारे सर ही आएंगे. तो सब बहने हैं उनके साथ? पूरी पूरी बहने उनके साथ ही हैं. बात कहना चाहूंगी, अपना सगा भाई भी होगा, एक महीने 1000 रुपया देगा, 2 महीने, तीसरे महीने सर बोलेगा मेरे ही बाल बच्चे हैं, लेकिन ये हमारा लाड़का भाऊ एकनाथ शिंदे साहब, मंगेश साहब, ये हमको आने के बाद 5 साल का वादा कर रहे हैं. अकाउंट में लड़की बहनों को 1500 की बजाय 3000 देंगे. इससे कितनी मदद हो रही है? सर, बहुत मदद हो रही है. कुछ लेडीजों के घर में खाना नहीं, बच्चे भूखे हैं, आदमी बेवड़े निकल जाते हैं, काम नहीं करते, सर उनके घर में खाना चल रहा है. तो ये 1500 बहुत मान्य रखता है सर, बहुत मान्य रखता है. 100-200 में बिकने वाला इंसान कल पछताएगा. एक ही नाम, एक ही निशान, धनुष बाण. जय श्री राम, जय श्री राम.